हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका सुलेखा की दुनिया डेली ब्लॉग्स में। तो आज का जो ब्लॉग है गाइस, जो शाम के 4:30 बजे स्टार्ट हो रहा है, और जैसा कि मैंने इससे पहले वाले ब्लॉग में कहा था कि हम जाएंगे घूमने, तो गाइस हम बिल्कुल ही रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हो हम बिल्कुल ही ऐसे जा रहे हैं। कान का अभी तक हमने नहीं पहना है, जो कि ये पतिदेव पहनाएंगे, हमें पहनने ही नहीं आता ये वाला। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपसे, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, खूब सारा इंजॉय करेंगे, हम खूब सारी मस्ती करेंगे, क्योंकि फाइनली गाइज अब हम घर से निकल चुके हैं, और काफ़ी अच्छा मौसम था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं वीडियो शूट करूं पतिदेव के साथ बाइक पे। तो मैं जब भी कहीं जाती हूं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे वीडियो शूट करना। तो चलिए चलते हैं। फाइनली हम इंडिया गेट पहुंच चुके हैं, और हमने अभी तक आपको नहीं बताया था कि हम इंडिया गेट जा रहे हैं, क्योंकि हमारा प्लान कहां कहां का बना था हमें भी नहीं बताया, बट हमें जाना पड़ा इंडिया गेट क्योंकि हम बहुत लेट हो गए थे। तो आज हम बिल्कुल ही अलग साइड से आ रहे हैं गाइज, क्योंकि पहले हम इस साइड से कभी नहीं आए हैं, तो आपको भी लेके चलते हैं। आप भी चलिए, बने रहिए वीडियो में। और यहाँ पे पतिदेव कर रहे हैं हमारी वीडियो शूट, क्योंकि हमने कहा आप करिए, हम आपसे छोटे हैं तो अच्छा नहीं लगता, हम जब कैमरा पकड़ते हैं तो आप पूरा आते ही नहीं है। तो वो कर रहे हैं गाइज, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा, और मैं कंफर्टेबल नहीं थी यार, क्योंकि मैंने बाल खोला था ना, तो मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा था कि मैं कैसे जाऊँ क्या करूँ। और यहाँ इंडिया गेट पहुँचने के बाद गाइज ये मन कर रहा था ये पल यहीं थम जाए, कहीं ना जाए, इतना अच्छा लग रहा था, इतना खूबसूरत व्यू था। तो पतिदेव वीडियो शूट कर रहे थे, और मैंने कहा मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ, आप मेरा वीडियो शूट करो, तो वो कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ही स्लो मोशन में वीडियो कर दिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। तो गाइज सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, मैं बता नहीं सकती कि मतलब अंदर से जो फीलिंग हो रही थी ना, कि मतलब इतना अच्छा व्यू है, इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा था कहीं ना जाएं, यहीं रुक जाएं। तो जब हम पहुंचे थे थोड़ा थोड़ा उजाला था, बट बाद में अंधेरा होता गया, और भी अच्छा लगा। तो चलिए आपको और सारी चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है सच में। तो गाइज यहाँ पे भाग भाग के मैं पतिदेव के पास आ गई, क्योंकि इनके बिना ना मेरी लाइफ सच में अधूरी है, मैं यही कहती हूँ, इनके बिना मैं भी अधूरी हूँ, मेरी लाइफ भी अधूरी है। तो आ गए हम इतने अच्छे व्यू के पास, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे गाइस दिन में आने का कोई मतलब नहीं है, अगर आप रात में आ रहे हो ना तो आपको इतना अच्छा लगने वाला है। तो मैं तो कई बार गई हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं पहली बार गई हूँ, बट मैं जब भी जाती हूँ ना मुझे कुछ अलग देखने को मिलता है, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हम और पतिदेव वीडियो शूट कर रहे हैं, और बाबू कुछ कह रहे थे, बट यहाँ बहुत सारे लोग थे ना, इसलिए हमने वॉइस ओवर कर दिया है। और यहाँ पे फूल इतने प्यारे प्यारे हैं, ये देखना कितना बढ़िया, कितना अच्छा लग रहा है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे पौधे हैं, और इतने प्यारे प्यारे फूल हैं ना, मतलब ऐसा नहीं है कि एक साइड में है, हर जगह, जो भी दिल्ली से होंगे जाते होंगे उन्हें पता होगा, हर जगह ऐसे प्यारे प्यारे से पौधे हैं। और रात को ऐसा लग रहा था ना जैसे पूरी दिल्ली की पब्लिक यहीं आ गई, इतना ज़्यादा भीड़ था, रश था, क्या ही बताएँ। तो यहाँ पर जब हम इससे पहले गए थे, अभी 1.5-2 महीने पहले गए थे, तो ये पौधे काफ़ी छोटे छोटे थे, बट अभी इतने बड़े बड़े हो गए और फूल भी आ गए, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। तो यहाँ पे कई सारे लोग फ़ोटो शूट वगैरह करवा रहे थे, पतिदेव ने कहा तुम भी चलो, मैंने कहा नहीं मुझे फ़ोटो नहीं चाहिए, बस ऐसे वीडियो बना लो बहुत है। तो और
सच में अब जो व्यू दिख रहा है गाइज ना, आप लोग भी देख के कहोगे वाओ, इतना प्यारा लग रहा था इंडिया गेट। हम थोड़ा सा दूर आ गए हैं और दूर से हम वीडियो बना रहे हैं, तो हमें इतना अच्छा लग रहा था। और आप लोग चारों तरफ देख सकते हो कितनी सारी पब्लिक है और लाइटिंग तो फुहारा पड़ गया, नहीं दिख रहा, पेड़ आ गया ना बीच में, कोई बात नहीं। उधर भी है देखो, हम लोग अपनी एनिवर्सरी पे आए थे तो उधर का ही था, इधर का नहीं था। अंधेरा आ रहा है। और मेरे पैर में ठीक हो गया यार चल चल के, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे पूरी दुनिया की पब्लिक ना यहीं आके बैठ गई है। अभी रोड पे निकलो तो इतना ट्रैफिक दिखेगा जैसे लगेगा सारी पब्लिक वहाँ है। बहुत अच्छा लग रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम दोनों एक साथ घूमने आए हैं यहाँ। देखो साफ नहीं आ रहा ना। तो गाइज कैसा लगा आपको इंडिया गेट आके? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और जब यहाँ शाम के टाइम आते हैं ना तो अलग ही नज़ारा होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम कई बार आ चुके हैं बट हम जब भी शाम को आते हैं ना तो हमें अलग ही फीलिंग आती है, मतलब बहुत अच्छा लगता है बाबू। दिन में कुछ देखने लायक नहीं होता, रात में ही होता है सब कुछ, लाइटिंग वगैरह। और यहाँ पे सोना खड़े हैं जो कि मुझे शॉपिंग करवाने के बहाने यहाँ लेके आए हो ना। शॉपिंग में पैसे खर्चे होते हैं ना बाबू, बहला लिए यार इंडिया गेट लाके। तो मैं ऐसी कोई बात नहीं है, शॉपिंग के चक्कर में नहीं, मैं खुद ही आई हूँ, मुझे शॉपिंग करने जाना नहीं था इसलिए मैं भाग के यहाँ आई हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो चलिए अब निकलते हैं घर की तरफ, क्योंकि बहुत बार आए हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा अभी, मतलब बहुत घूम लिए। अगर घूमने लगो तो यहाँ पूरी रात कम पड़ जाएगी, है ना? ऐसा है यहाँ का नज़ारा। तो भाई जब हम निकल रहे हैं घर की तरफ और चलो तो बच्चे ना गोल गप्पे भी अच्छे। इन्हें ठंड लगती है गाइज इसलिए इन्होंने चोकोबार नहीं लिया, बट मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिया। मैं तो सर्दियों में भी कहीं घूमने जाती हूँ तो मैं ज़रूर लेती हूँ। घूम के इधर से ही निकलना है ना, तो चलिए गाइज हम लोग इंडिया गेट से फाइनली निकल गए और हमने गोलगप्पे भी खाए। अब मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। सर्दियों में आइसक्रीम कौन कौन खाता है कमेंट करके बताना। तो गाइज सबसे मेन बात, अगर हम लड़कियां कहीं घूमने जा रहे हैं और हम इयररिंग्स देख लें और ना लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मुझे भी दिख गया था काफ़ी प्यारा प्यारा इयररिंग्स, तो यहाँ पे मैंने भी ले लिया है। और मैंने क्या लिया है क्या नहीं लिया है
आपको घर चल के दिखाएंगे। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं आर्टिफिशियल वाले इयररिंग्स, तो जो भी लिया है गाइज आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो फाइनली गाइज अपनी बाइक के पास पहुंच गए हैं और चलते हैं घर, मिलते हैं आप डायरेक्ट घर। बाबू हेलमेट पकड़ के निकलना, टूटे नहीं, और निकलते हैं अब यहाँ से। तो यहाँ पर वाओ क्या मस्त व्यू है यार, जाना ना, बस थोड़ा सा उजाले में आए होते ना तो हम यहाँ पे फोटो भी क्लिक करवा सकते थे ना। चलो हो गया है, वाओ इट्स सो ब्यूटीफुल। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं इंडिया गेट से, अब बाय बाय इंडिया गेट। अभी गाइज हमने हेलमेट वगैरह पहन लिया है क्योंकि अपनी सेफ्टी अपने हाथ में, तो चलिए चलते हैं घर। तो गाइज फाइनली अब हम निकल चुके हैं अपने घर की तरफ। तो आज का वीडियो भी यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी गाइज कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। बाकी आपको आज कैसा लगा मेरा ब्लॉग वो भी बताना। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ 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 आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर।